हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न मैथ्स स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 12 स्मार्ट चार्ट। लास्ट टाइम हमने दो चार्ट कंप्लीट किया था, उसमें हमने टैली मार्क किया था, जैसे कि हमने 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमने वो टैली मार्क यहाँ पे किया था। वैसा टैली मार्क हम यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करने वाले हैं नेक्स्ट, तो कि चपाटी चार्ट। क्या है चपाटी? चपाटी का शेप कैसा होता है? राउंड शेप होता है, वो राउंड शेप वाला चार्ट हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे दिया क्या है, तो क्या हेल्प मोस्ट इन हाउस वर्क, यानी कि हम हेल्प कर रहे हैं हाउस के अंदर, कौन कौन सी हेल्प कर रहे हैं, तो कि गोइंग टू द मार्केट, कि हम मार्केट जा सकते हैं। चिल्ड्रन कौन कौन से वर्क कर सकते हैं, तो कि वॉशिंग अनटेंसल यानी कि छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो वॉश कर सकते हैं, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यानी कि क्लॉथ्स भी वॉश कर सकते हैं, मेकिंग सर्विंग फूड यानी कि हम सर्व कर सकते हैं फूड को, फिर क्लीनिंग द हाउस, हाउस को क्लीन करने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो कितने यानी कि चिल्ड्रन है क्लास में, तो 47 चिल्ड्रन है वो मार्केट भी जा सकते जाते हैं हेल्प में, 15 स्टूडेंट वॉशिंग करते हैं अनटेंसल, एंड 3 स्टूडेंट ऐसे है जो कपड़े भी वॉश करते हैं यानी कि क्लॉथ वॉशिंग, एंड 25 स्टूडेंट ऐसे है तो कि मेकिंग सर्विंग फूड यानी कि फूड को क्या करते हैं सर्व करते हैं, एंड 10 चिल्ड्रन ऐसे है जो क्लीनिंग द हाउस, हाउस को क्लीन कर सकते हैं। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, तो कि 100 चिल्ड्रन है। 100 चिल्ड्रन का हम क्या पहले बनाएंगे, तो कि हम राउंड शेप बनाएंगे। आपको कैसे करना है, तो कि डिवाइडर से आपको पूरा राउंड शेप करना है, फिर मिडल पॉइंट जहाँ पे आए वो मिडल पॉइंट ड्रॉ करना है, फिर हमें क्या करना है, तो कि यहाँ पे देखो ये 25% है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 25% यानी कि 100 डिवाइड बाई 25, 25 फोर्स, तो 25 फोर्स 100 होता है, तो हम फोर्थ पार्ट, आपको पता है सर्कल का फोर्थ पार्ट यानी कि इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ पार्ट, 1, 2, 3, 4 फोर पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक हमारा क्या होगा 25, यानी कि 25 स्टूडेंट्स, फिर 10 स्टूडेंट यानी कि उनसे छोटा 10 स्टूडेंट्स, फिर अभी 15 स्टूडेंट है वो, देखो यहाँ पे 25 है, 25 का आधा क्या होता है 12.5 से थोड़ा बड़ा, तो वो होगा हमारा 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वो होगा 15 का, एंड फिर 3 का वो होगा हमारा 3 का, तो यहाँ पे हुआ 47, तो ये होगा हमारा 47, तो यहाँ पे हो गया हमारा पूरा। तो ये जो है वो चार्ट आपको ड्रॉ करना है, फिर यहाँ से स्केल लेके आपको क्या करना है, ऐसे लाइनिंग ड्रॉ करनी है, फिर अच्छे से लाइन ड्रॉ करने के बाद उसमें लिखना है 25, 10, 15, 3 एंड 47, तो इसको क्या बोलते हैं चपाटी चार्ट, क्या बोलते हैं चपाटी चार्ट, ओके, तो इसको बोलते हैं चपाटी चार्ट, ओके। उसको क्या करते हैं, तो कि हम जो नंबर्स है टोटल नंबर्स उसको डिवाइड करके हमें पता चल जाएगा कितने पार्ट में हमें अरेंज करना है, ओके। टोटल हमारा कितना होगा 100 का होगा, उसमें से हमने 25% 10 15 3 स्टूडेंट एंड 47 स्टूडेंट को दिखाया है। फिर हम क्या देखेंगे, तो कि क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो कि चिल्ड्रन हु हेल्प इन मेकिंग ऑफ सर्विंग फूड, यानी कि कौन से ऐसे चिल्ड्रन है, कितने चिल्ड्रन हैं जो मेकिंग ऑफ सर्विंग फूड यानी कि मेकिंग ऑफ सर्विंग फूड दे सकते हैं यानी कि कर सकते हैं, वो वर्क कर सकते हैं, तो कि 25 स्टूडेंट, तो 25 स्टूडेंट यानी कि 25 टोटल स्टूडेंट कितने हैं, तो कि 100, तो कितना हुआ, तो कि 100, 25 फोर 100, तो 1/4 यानी कि 1/4 पार्ट में क्या हुआ, सर्वाइंग फूड हुआ, मेकिंग ऑफ सर्वाइंग फूड, 1/4 पार्ट टोटल ऑफ यानी कि 100, टोटल ऑफ 100 है उसमें से 1/4 पार्ट में क्या होता है, तो कि चिल्ड्रन है वो मेकिंग ऑफ सर्वाइंग फूड कर रहे। तो यहाँ पे हमने चपाटी चार्ट ड्रॉ किया है, वो भी आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, एंड नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे।